नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कुबेर का नाम आते ही हम सोचते हैं कि कुबेर मतलब अकस्मात धन ट्रेजर का मालिक। कुबेर के बारे में एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी ये है कि कुबेर और शिव महादेव मित्र हैं। कुबेर एक यक्ष हैं, यक्षों के राजा हैं, रावण के भाई थे और अकूट धन संपदा जो रावण के सोने की लंका है वो कभी कुबेर की हुआ करती थी। कुबेर और महादेव के संयोग से एक मंत्र और एक तंत्र चलता है और इस तंत्र को करने से दरिद्रता पूर्ण रूप से मिट जाती है। ये तंत्र मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इस तंत्र को सर्व दारिद्र नाशक तंत्र बोला जाता है और ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको करिएगा तो अगर आपके जीवन में दरिद्रता है तो उसका पूर्ण रूप से पलायन हो जाएगा। किसी भी मंत्र को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस मंत्र या उस तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कुबेर रावण के भाई होने से पहले पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन इनका संस्कार ब्राह्मण वाला नहीं था तो ब्राह्मणों ने इन्हें, जो ब्राह्मण इनके पिता थे, उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। कुबेर को ये दर दर भीख मांग रहे थे, ये एक भीलों की बस्ती में गए और वहां पर एक शंकर जी का मंदिर देखा। शाम का समय था, जिसको गोधूली का समय बोलते हैं, सूर्यास्त, और ये शंकर जी के मंदिर में इस भाव से घुसे कि जो भी प्रसाद चढ़ा होगा, जो भी प्रसाद चढ़ के फेंक दिया गया होगा वो ये खा लेंगे। तो इन्होंने शिवलिंग के आसपास का जो भी प्रसाद था, जो बेलपत्र था, वो इन्होंने ग्रहण किया। इसको देख करके महादेव जी इन पर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब तक महादेव जी की प्रसन्नता इन पर होती तब तक भीलों ने इनको देख लिया और उनको लगा कि ये मंदिर में चोरी करने के भाव से घुसे थे और इनको पीट पीट कर मार दिया। ये सीधे कैलाश पहुंचे मृत्युपर्यंत। फिर इनका जन्म ऋषि पुत्र के रूप में हुआ, जो कि रावण की सतेली माँ थी, जो पहली पत्नी थी ऋषि जी की। और फिर कुबेर महादेव से मिलने गए, क्योंकि इनका तो अब जन्म जन्मों का नाता था दोनों का। माँ भगवती को किसी कारणवश इन पे कोप आया, इनका आँख उन्होंने जला दिया। महादेव ने महादेवी को बोला कि नहीं, आपको इनका आँख वापस देना है। कुबेर का आँख जो है वो हमेशा आकाश की ओर देखता है, नीचे नहीं देखता है। उसके बाद महादेव जी ने कुबेर को दक्षिण दिशा का आधिपत्य बना दिया कि दक्षिण मार्ग में जो होगा कुबेर ही उसके अधिपति हैं। और यहां से कुबेर यक्ष की कहानी शुरू हुई। कुबेर उसके बाद अकूट धन संपदा के मालिक बने। तो जो तंत्र कुबेर और महादेव दोनों के मिश्रण से बनता है, दोनों के प्रभाव से बनता है, उसको बोलते हैं सर्व दरिद्र नाशन कुबेर मंत्र या सर्व दरिद्र नाशन कुबेर तंत्र। बड़ा इसका यूनिक पद्धति है, आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। इसमें पूजा सामग्री क्या लगती है? इसमें पूजा सामग्री लगेगा दीपक और अगरबत्ती, जो आपको घर से लेना है, और जो बाकी सामग्री है वो आपको मंदिर के जो डस्टबिन है उससे उठाना होगा। इस पूजा में जो पूजन की जाने वाली वस्तु है वो बिल पत्र है, जो कि महादेव के ऊपर चढ़ा करके उसके बाद उसको उतार के फेंक दिया जाता है। जैसे आज महादेव पर बेलपत्र चढ़ा, कल वो उसको उतार के फेंक देंगे। तो कल जब वो उसको उतार के फेंक देंगे तो उस बेलपत्र की आपको पूजा करनी है। ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया जब कुबेर ने अपने पूर्व जन्म में उतरा हुआ प्रसाद और बेलपत्र खाया था। ये कुबेर का
सोडक मंत्र, सोडक मतलब नौ अक्षरी मंत्र जो होता है उसको सोडक कहते हैं। अभी मैं आपको वो सोडक मंत्र बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आवाहन होना है। इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद इसको एक बार जाप करना है। जैसे आप सारा सामग्री लेकर के बैठ गए, कोई दिशा बंधन नहीं है, कोई वस्त्र बंधन नहीं है, सिर्फ आपको नित्य नौ दिन करना है। और नौ दिन करने के बाद जो विधि बताऊंगा उसके बाद इसका दशांश हवन कर देना है तिल से। तो जैसे आप वो बिलपत्र लेकर के आ गए, एक जगह आप पूजा पे बैठे, घर में नहीं कीजिएगा पूजा तो बेहतर, यक्ष की पूजा है, कर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दीपक जलाएं घी का, अगरबत्ती जलाएं, नवेद्य दें और उसके बाद बोले अधो तारापुता लक्ष्मी तत्व माया पुत्र नमा तथा काम पुता शैव्यधंतो वितेश्वरो नमः सोडाक्षर मंत्रोयाम सर्वदारिद्र नाशनम त्रिनेत्रनयनम दृशु योग मार्यानै खर्गकम मनो ध्यान चंदादिकम सर्वमतस्य पूर्व वदाचरित। इस मंत्र को पढ़ के आपको आवाहन कर लेना है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप अपना कैटेगरी चुन लीजिए कि आपकी दरिद्रता की कैटेगरी क्या है। अगर मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा दरिद्र हैं, ठीक है, तो आपको ये खुद सोच के संकल्प करना है। अगर बहुत ज़्यादा दरिद्रता है आपके जीवन में तो आप इसका 1,00,000 जाप करके तिल से हवन करेंगे, ठीक है। अगर आप बीच में आते हैं, बहुत दरिद्र नहीं है और बहुत ज़्यादा आप अमीर भी नहीं है, तो 10,000 जाप करके इसका दशांश हवन करेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे थे अब बुरा हो गया है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं इससे बेहतर मेरी स्थिति होनी चाहिए, वो गिनती मात्र से, बिल्कुल गिनती मात्र से 368 बार इसका जाप करेंगे, ठीक है। जो लोग 1,00,000 बार जाप करने वाले हैं उनको शिवालय में बैठ के ही जाप करना है, जो 10,000 बार जाप करने वाले हैं उनको भी शिवालय में बैठ के करना है। लेकिन जो ये 368 बार 9 दिनों तक बैठ के जाप करेंगे उनको एक स्थान चुन करके उस स्थान में इसका जाप करना है। और जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो 9 दिन पूरे होने के बाद उनको इसका दशांश हवन करना है तिल से। इसका मंत्र सुनिए, इसका मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विटेश्वराय नमः। फिर से सुनिए ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विटेश्वराय नमः। एक बार फिर से सुनिए मंत्र ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लिम श्रीम क्लिम विटेश्वराय नमः। इसी मंत्र का आप लोगों को जाप करना है। मैं आगे आप लोगों को और कुबेर के तंत्र से वशीकरण, कुबेर के तंत्र से पैसा अपने तरफ खींचना, कुबेर और महादेव के संयोग से जो पैसा आपका कहीं दबा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, उसको निकालना, ये सारी विद्याएं मैं आप लोगों को आगे चलकर दूंगा। आज के लिए इतना ही। कुबेर महाराज आप लोगों पर हमेशा कृपा बरसाए रहे। अच्छा, कुबेर जी की आप तस्वीर अगर घर में रखते हैं तो तस्वीर रखिएगा, बहुत लोग इनकी मूर्ति को पूजा पर रखते हैं। यक्ष की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए पूजा स्थान पर, अगर यक्ष की मूर्ति रखना है तो पूजा स्थान के बाहर रखिएगा, क्योंकि कुबेर मूलतः यक्ष है, ठीक है। तो ये साधना आप लोग कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग सभी का दरिद्रता नाश होगा। उसके बाद कंडीशन यही है कि आकर के रांची वाले भैरव बाबा मंदिर में आप लोग दर्शन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा साधना शिविर दूसरा बार होने वाला है, स्थान और जगह परिवर्तित हो गया है, अब उज्जैन में होगा 17-18 को, जिसको
वो वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन आप लोग करा बेसिक सकते। साधना बंधन वंदन मंत्र भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो अ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।